दोस्तों आज जो कमीशन पढ़ेंगे उसका नाम है विचित्र खोपड़ी। इसका पहला पार्ट है चमत्कारी सेब, तो आप पहले उसको पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको फोल्डर मिलेगा राज स्टोरी के नाम से। हाँ, राज स्टोरी, उसके अंदर मिल जाएगी आपको ये कॉमिक्स जिसका नाम है चमत्कारी सेब। तो ये जो यहाँ पर ऊपर स्टोरी है इसके पहले पार्ट की, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ और इसको आप पढ़ लेना वहां जाकर, और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। राजकुमार सुदर्शन कारागार से अपनी मां की मृत देह को लेकर गुप्त मार्ग के द्वारा एक वन में निकला। वहीं दरिया के किनारे उसने मां का अंतिम संस्कार किया। मां तेरी इस अकाल मृत्यु की कीमत मां दोषी को अवश्य चुकानी होगी एक दिन। उसके बाद वह निरुद्देश्य सा ही एक और बढ़ चला। वो यह कैसी भाग्य विडंबना है, कल तक मैं महलों का राजकुमार था और आज दर दर की ठोकरे खा रहा हूं, और उधर पिताजी इस खतरे से जाने जाने कहां हैं। उधर पश्चिम दिशा में स्थित जादूगर भूटान भट्टा के महल में, हे मानते मसान मुझे रूप नगर पहुंचा। फिर भूटान भट्टा रूप नगर की ओर उड़ चला। कुछ ही देर बाद खोपड़ी से लेकर रूप नगर के राजमहल में प्रविष्ट हो गई। कौन हो तुम, यहाँ की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। मैं हूं मावली मान जादूगर भूटान भट्टा, मैं राजमान शीतल को अपने साथ ले जाना आया हूं। खामोश गुस्ताख, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट को। सैनिक तलवारें खींचकर भूटान भट्टा की तरफ लपके, लेकिन हे मान तेलिया मसान भस्म कर दो इनको, और आह आए आह आंखों से आग निकल गई। और अब उन सैनिकों के स्थान पर केवल राख बाकी रह गई थी। नहीं, हा हा हा, देखा राजा निर्मल सिंह हमारी शक्ति को, अब तुम पछताओगे। मैं पश्चिमा सूर्य के त्याग बदले तुम्हारी पुत्री उठाकर ले जाऊंगा, हा हा हा। फिर भूटान भट्टा खोपड़ी पर बैठा और खोपड़ी उड़ने लगी, हा हा हा। चलो राजकुमारी, अब हमारे महल में रहना, हमारी रानी बनकर। और नीच, हम तुझे मदद मचा सकाते हैं इस गुस्ताखी का, हा हा हा। हे मान तेलिया मसान अदृश्य हो जा। और उसके साथ ही जादूगर भूटान भट्टा खोपड़ी सहित अदृश्य हो गया। कहां गया कंबख्त, सामने आ। फिर अचानक आप पिताजी बचाइए, हाय क्या हुआ। और सबके देखते देखते राजकुमारी भी अदृश्य हो गई। बेटी तुम कहां, शीतल अरे राजकुमारी कहां गायब हो गई। पिताजी मुझे बचाइए, इस दुष्ट ने मुझे खोपड़ी पर बिठाया हुआ है, हा हा हा। ये अब कुछ नहीं कर सकते राजकुमारी, अब तुम हमारी हो। फिर भूटान भट्टा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मंत्र फूंका, हे मानते इल्या मसान इन पर शोले बरसा, ही ही ही। आह आग मरा बचाओ, हा हा, मेरा नाम भूटान भट्टा। इस तरह तबाही मचाता जादूगर वहां से कूच कर गया। आह, हमने अपना सब कुछ खो दिया। धीरज रखिए राजन, हम राजकुमारी को ढूंढ निकालेंगे। इधर राजा धर्मवीर अपनी बाकी यात्रा जल्दी समाप्त कर रूप नगर की तरफ बढ़ रहे थे। अब जल्दी से चलकर निर्मल सिंह से राजकुमारी शीतल का विवाह सुदर्शन से करने का वचन मांगता हूँ। राजकुमारी से विवाह के बाद सुदर्शन की मृत्यु अवश्य टल जाएगी, क्योंकि महर्षि ने उसे 100 वर्ष तक सुहागिन रहने का वर दिया है। चलते चलते वह विश्राम के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसके ऊपर दो मैना बैठी बातें कर रही थी। अरे तुझे पता, राजकुमारी शीतल को जादूगर भूटान भट्टा उठाकर ले गया। हाँ री, राजा निर्मल सिंह तो दुख से पागल से हो गए हैं, और राजकुमारी को जादूगर उठाकर ले गया, फिर तो मैं पहले राजकुमारी को ही खोजूंगा। फिर राजा धर्मवीर राजकुमारी शीतल को खोजने निकल पड़े। जादूगर भूटान भट्टा तो पश्चिम में कहीं रहता है, किंतु चलते चलते उन्हें रुक जाना पड़ा। वो ओ यह कौन रो रहा है सुनसान वन में। थोड़ा आगे चलने पर, ओ तो यह वरदा रो रही है। राजा ने आगे बढ़कर उससे रोने का कारण पूछा, आप रो क्यों रही है माँ। बेटा मैं दुखियारी सुबह से वन में अपनी झोपड़ी तलाश कर रही हूँ, अंधी ठहरी रास्ता भटक गई हूँ। आओ माँ, मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी तक पहुंचा देता हूँ। कुछ ही दूरी पर धर्मवीर की झोपड़ी दिखाई दी। माँ तुम्हारी झोपड़ी के बाहर कुआ है ना। हाँ बेटा बिल्कुल वही है मेरी झोपड़ी। राजा धर्मवीर बुढ़िया को लेकर झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ। बेटा सफर से थके हुए आए हो, कुछ खा पी कर जाना। अच्छा माँ, बुढ़िया खाना बनाने के लिए दूसरे कमरे में घुस गई। मिठू मिया क्या हाल है, टें टें टें। राजा धर्मवीर तोते की बात सुनकर चौंक गया। बद्रपुर से यह बुढ़िया डोंग कर रही है, यह एक डायन है, तुम्हें भोजन में दवा मिलाकर बेहोश कर देगी, फिर तुम्हें खा जाएगी। हैं? तभी बुढ़िया डायन वहां गई। है ये आदमी तो पक्षियों की बोली जानता है, टें टें टें। अच्छा तो यह बात आदमी से खत्म कर दूंगा। अचानक बुढ़िया अपने असली रूप में राजा के सामने आ गई। हा हा हा, तू क्या मुझे खत्म करेगा रे, दो पल बाद तो तू मेरे पेट में होगा, हा हा खा जाऊंगी। ठहर जा सुडेल, तूने अभी मेरे बाणों का सामना नहीं किया इसलिए ऐसा कह रही है।
चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया और उसके खाली हाथ में खड़क आ गया। हा 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 खट सर, हा हा, अरे इस पर तो मेरे बाण का कोई सर ही नहीं कर रहे। बहुत देर तक ऐसे युद्ध चलता रहा। हे वीर पुरुष, इस चुड़ैल की जान इसके कानों में, फौरन उन्हें काट दो। अच्छा मिठू मिया, राजा धर्मवीर ने चुड़ैल के कानों का निशाना लेकर बाण छोड़ दिए। आह आह वो मारा, टें टें टें। चुड़ैल ने मरते वक्त अपने भाई भूटान बाटा को याद किया। आह भूटान बाटा, फलस्वरूप वो मेरी बहन की करुण पुकार, लगता वह मुसीबत में है। हे मान तेलिया मसान, मेरी बहन का हाल दिखा। लो मिया मिठू, इस चुड़ैल को तो मैंने मार दिया, अब तुम भी आजाद हो। तोता उठकर राजा के कंधे पर बैठ गया। टें टें, क्या कहते हो, धन्यवाद, अरे वाह। फिर राजा झोपड़ी से निकलकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ए मित्र, तुम कहां जा रहे हो? यह एक बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसी बहाने रास्ता भी कट जाएगा। वो तो यह वही शिकारी जिसने पश्चिमा सुगम मौत के घाट उतारा था, और अब मेरी बहन को भी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे मानते लिया मसानी खोपड़ी, इसका संहार करके आ। राजा ने तोते को अपनी सारी आप बीती सुना दी, और अपने बेटे की आयु 100 साल करने के लिए मैं राजकुमारी को आजाद कराने के लिए भूटान बाटा को ढूंढने जा रहा हूँ। ओ मित्र, काश मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। इस तरह बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी, अरे मित्र, यह क्या इतनी बड़ी खोपड़ी, यह तो हमारी तरफ ही आ रही है। हा 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 हा, खोपड़ी ने मुंह खोला और एक बड़ी चट्टान उगल दी, लेकिन राजा के तीक्ष्ण बाण ने उसे चूर चूर कर दिया। ध्राम, खोपड़ी ने फिर मुंह खोला, अब उसके मुंह से शोले निकल रहे थे, लेकिन राजा के बाणों ने उन्हें भी नाकामयाब कर दिया। मुझे इसे जल्दी समाप्त कर देना चाहिए, इसके लिए मुझे शस्त्र मुख चाल चलनी चाहिए। फिर अचानक वहां की खोपड़ियां दिखाई देने लगी। अरे यह इतनी खोपड़ियां कहां से आ गई? और फिर सब खोपड़ियां ने मिलकर एक साथ राजा पर विद्युत प्रहार किया। ओह ओह, शीघ्र ही राजा खोपड़ियों के तीक्ष्ण प्रहारों से हार गया। हा हा हा, तेलिया मसान की जीत हुई, और फिर वह वापस भूटान बाटा के पास चली गई। आह ओह मित्र, यह क्या हो गया? ओह मिठू मिया, एक साधु ने मुझे पक्षियों की बोली समझने का वरदान दिया था, और कहा था कि मेरे पास यह विद्या होने की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस चुड़ैल को इसकी जानकारी हो गई, इसलिए मेरी मृत्यु हो रही है। लेकिन मिठू मिया, तुम वादा करो कि मेरे बेटे को ढूंढकर उसे यह सब बताकर राजकुमारी शीतल से उसका विवाह कराने में सहायता करोगे। राजकुमार की शादी राजकुमारी से जरूर होगी, राजा चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फिर राजा ने प्राण त्याग दिए। तोते ने लकड़ियां इकट्ठी करके उसकी चिता बना दी। फिर जैसे चमत्कार हुआ, चिता में आप ही अग्नि पर ज्वलित तो उठी। ऐसा शायद राजा के तीर्थ के पुण्यों के प्रताप से हुआ था। इधर राजकुमार सुदर्शन दिन रात चलते चलते पश्चिम वन जा पहुंचा। वो थक गया, कहीं विश्राम करना चाहिए। अरे वन में महल कैसा, चलो शायद अंदर आश्रय मिल जाए। राजकुमार महल में घुस गया। अरे इतना बड़ा और सुंदर महल, पर आश्रय यहाँ कोई भी नहीं। अचानक एक नारी स्वर सुनकर राजकुमार सुदर्शन चौंक गया। ए योग सुनो, तो कौन? मैं रूपनगर की राजकुमारी शीतल, पर तुम हो कहाँ? योग, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि इस महल के मालिक जादूगर भूटान बाटा ने अपने जादू के जोर से मुझे अदृश्य करके कैद कर रखा है। जादूगर भूटान बाटा? हाँ, यह उसी का जादुई महल है। लेकिन उसने आपको कैद क्यों और किस प्रकार कर रखा है? वह दुष्ट मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, और मैं उसके जादू के कारण यहाँ से हिल भी नहीं सकती। लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ योग, क्योंकि जादूगर के आने का समय हो गया है। तुमको यहाँ देखकर वह दुष्ट तुम्हें मार देगा। आपको यहाँ उस दुष्ट के पास विवश छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। हे अच्छे योग, तुम्हारे यहाँ से चले जाना ठीक है, क्योंकि उस जादूगर के जिंदा रहते तुम कुछ नहीं कर सकते, और उसे मारना असंभव है। पर क्यों, वह भगवान तो नहीं है ना? भगवान तो नहीं, पर वह कई जादुई शक्तियों का मालिक है। फिर भी उसकी मौत का कोई तो उपाय होगा ही, वह तो मैं नहीं जानती। पर यह सत्य है कि जागते हुए जादूगर के गले में जब तक उसकी माला, तब तक दुनिया में कोई उसे छू भी नहीं सकता। यदि रात में सोते हुए जादूगर के गले से उसकी माला उतार कर उसे मार डालू तो यह भी नहीं हो सकता। क्यों? इसके कई कारण। एक तो वह जादूगर महीने में 15 दिन ही सोता है, और दूसरे वह अपने जिस कमरे में सोता वहीं वह अपनी जादुई माला गले से उतार कर खुट्टी पर टांग देता है, तब तो उसे बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। नहीं, जादूगर के छोटे उसके अदृश्य शक्तियां उसकी और उसकी माला की रक्षा करने लगती है, और यदि ऐसे में कोई उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वे उसे जला कर राख कर देती हैं।
ठीक है राजकुमार जी, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर जाने से पहले एक सवाल और। वह जादूगर अभी कितने दिन और जागेगा? सिर्फ 3 दिन, उसके बाद लगातार 15 दिन तक सोएगा। ठीक है अभी तो मैं चलता हूँ, पर शीघ्र ही आपको छुड़वाने आऊंगा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर राजकुमारी की बात अनसुनी करता हुआ वहां से निकल गया। राजकुमार जंगल में पहुंचकर सोचने लगा, हे प्रभु, कैसे मैं राजकुमारी को उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुड़ाऊं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार पौंदा, वो मारा पापड़ वाले ने, पर इस योजना को कार्य रूप देने के लिए मुझे किसी नगर में जाना होगा। और फिर राजकुमार नगर की ओर चल पड़ा। और ठीक चौथे दिन राजकुमार सुदर्शन फिर जादूगर के महल पहुंचा। अरे योग, तुम फिर यहाँ? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको जादूगर की कैद से छुड़ाने जरूर आऊंगा, पर योग जादूगर को समाप्त किए बिना यह असंभव नहीं, और जादूगर को मारना असंभव है। ये बात छोड़िए राजकुमार जी, यह बताइए कि क्या जादूगर अपने कमरे में थोड़ी बहुत आठ सुनकर जाग सकता है? नहीं योग, 15 दिनों से पहले वह हरगिज नहीं उठता। बस राजकुमार जी, अब आप ठीक 15वें दिन जादूगर के जागते ही अपने को आजाद पाएंगे। फिर राजकुमार जादूगर के कमरे की तरफ बढ़ गया। हूं तो यह इसकी जादुई शक्ति, खुर्र खुर्र। राजकुमार थोड़ी देर तक उस कमरे का निरीक्षण करता रहा, खुर्र खुर्र, फिर बाहर निकल गया और जंगल में एकत्रित किए हुए पत्थर उठाकर महल में पहुंचाने लगा। कुछ ही देर में उसने सब पत्थर ढोकर कमरे में इकट्ठे कर दिए और मसाला बनाने लगा। फिर उसने खूंटी वाली दीवार के आगे एक दीवार बनानी शुरू कर दी। 3 दिनों के अथक परिश्रम के बाद पूरी दीवार बनकर तैयार हो गई। अब मुझे इस दीवार पर भी उसी जगह फुट्टी गाड़ देनी चाहिए जहां पहली दीवार में थी। और उसके बाद राजकुमार ने उस दीवार पर वैसा ही रंग कर दिया जैसा पिछली दीवार पर था, खर खर। फिर उसने सारे फर्श की धुलाई की और अपने इस कार्य से संतुष्ट होकर वह जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल पहुंचे उसने कई सिंहों की मांदों से मनुष्यों की खोपड़ियां एकत्रित की। 3रे दिन वह हाथ में नरमुंडों की एक माला लिए जादूगर के महल पहुंचा। अरे योग, यह क्या? यह तो नहीं राजकुमारी, यह उस जादूगर की माला नहीं, यह तो उसकी नकल है। फिर जादूगर के कमरे में पहुंचे उसने माला खुटी पर टांग दी। अब मुझे जादूगर के जागने तक भारी इंतजार करना चाहिए। ठीक 15वें दिन जादूगर सोकर उठा। मैं आज राजकुमारी शीतल से विवाह कर ही लूंगा, उसकी मर्जी से नहीं तो अपने जादू के जोर पर। पलंग से उठकर उसने खुटी पर टंगी माला उतार कर अपने गले में डाली और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे जादूगर अपने कमरे से बाहर निकला, दीवार की ओट में खड़े राजकुमार ने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अरे तू कौन है? तेरी मौत क्या? और तूने मेरा कमरा क्यों बंद किया जिसे तू इस कमरे में न जा सके, मूर्ख? हा, तेरे कमरा बंद कर देने से मैं इस कमरे में न जा सकूंगा? दुष्ट जादूगर, असल जितना हंसना, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का यह अंतिम दिन है। तू मुझे मारे हूं बच्चे, मौत तो तेरी यहां तुझे घसीट कर लाई है, पर मरने से पहले मेरी शक्ति का छोटा सा नमूना देख। अच्छा दिखा दो सही, उल्टी खोपड़ी तेलिया मसान, दरवाजा खोल दे तू। देखा खुल गया ना दरवाजा? अरे मूर्ख जादूगर, तू खुद देख, दरवाजा खुल गया है या बंद है? अब ये क्या असंभव, मेरे गले में से माला रहते मेरा मंत्र निष्फल नहीं हो सकता। बेवकूफ जादूगर, ये माला नकली है। क्या मतलब? मतलब साफ जादूगर, जिस माला के बल पर तू शैतान बना है उसे मैंने इससे बदल दिया है, यह असंभव है। फिर राजकुमार ने उसे सारी घटना सुना दी। और दुष्ट, ठहर, मैं तुझे भी मजा चखाता हूं। हे बहादुरी युवक, इस जादूगर की किसी भी हालत में उस कमरे तक मत पहुंचने देना। मैं समझता हूँ राजकुमारी, और ठीक अगले पल खचाक, आ मैं मरा। जादूगर के मरते राजकुमारी सदृश हो गई। ओ कितनी सुंदर है राजकुमारी! तभी पूरे महल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी है। हे हो हो हाई, अरे है क्या? ओ लगता है भूत प्रेतों का चक्कर है। हा हा हो हो कर, कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ, मैं हूं तेलिया मसान की आत्मा। मुझे तुमने दीवार के पीछे कैद कर दिया है, मुझे मुक्त कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, वरना मेरी आत्मा यही भटकती रह जाएगी। लेकिन आजाद होकर तुम फिर लोगों को परेशान करोगी। नहीं भले आदि, मैं तो उस माला के धारक की गुलाम हूँ। तुम दीवार के पीछे से वह माला निकालकर गले में डालो, फिर मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगी। ठीक है तो मैं दीवार तोड़ता हूँ। कट कट, दीवार तोड़ दी। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। आई आवाज कहां से आई? यह मैं बोल रहा हूँ योग, इस माला को पहनकर तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो पहले मैं रूपनगर पहुंचा दो। ठीक है, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए।
राजकुमार सुदर्शन और राजकुमार शीतल के बैठे खोपड़ी जादूगर के महल से निकलकर रूपनगर की तरफ उड़ चली। इधर मिठू मिया तोता नगर नगर जंगल जंगल राजकुमार सुदर्शन को ढूंढता फिर रहा था। जाने कब और काम मिलेगा राजकुमार सुदर्शन अपने पीछे से आते खतरे से लापरवाह, आज इस तोते को खाऊंगा। फिर अचानक गिद्ध ने झपट्टा मारा, आ टें टें टें, आह अब मैं तुझे खाऊंगा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। गिद्ध के पंजों में फंसे बेबस तोते को उधर से गुजरते राजकुमार सुदर्शन ने देखा तो, हे तेले मसानी खोपड़ी, क्या तुम उस तोते को इस गिद्ध के चुंगल से निकाल सकते हो? क्यों नहीं, मेरे अक्का भी लो। खोपड़ी की मार से गिद्ध तोते को छोड़कर भागा। जख्मी तोता नीचे महात्मा सिद्धनाथ जी के आश्रम में गिरा। है तुम्हें किसने गाल किया प्यारे तोते? मुनि और मुझे गिद्ध ने पकड़ लिया था। महात्मा सिद्धनाथ अपनी योग विद्या द्वारा पक्षियों की बोली समझने में सक्षम थे। हे तेलिया मसानी खोपड़ी, हमें नीचे ले चलो, हम तोते को देखना चाहते हैं, कहीं मैं घायल तो नहीं हो गया। जब सुदर्शन और शीतल को लेकर खोपड़ी नीचे उतरी, महात्मा जी तोते का उपचार करे थे। महात्मा ने इस तोते को गिद्ध के चुंगल से हमने बचाया, इसे आप हमें दे दें। अच्छा वत्स, लेकिन तुम हो कौन? महात्मा, मैं सुंदरनगर के राजा धर्मवीर का पुत्र हूँ। तुम राजा धर्मवीर के पुत्र हो? तभी तोता जो सुदर्शन को पहचान गया था बोला, हाय हे मुनिवर, मैं इन्हीं की तलाश में भटक रहा था, मुझे इनके पिता ने तोते ने महात्मा जी को राजा धर्मवीर की सारी कहानी सुनाते हुए उनकी मृत्यु की सूचना भी दे दी। महात्मा जी ने जब यह समाचार सुदर्शन को सुनाया तो वह शोकाकुल हो विलाप करने लगा, ओह पिताजी, माँ के बाद आप भी मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। फिर महात्मा ने समझा बुझाकर उसे ढाढ़स बंधाया और उसे उसके जन्म का वृत्तांत और उसकी आयु बढ़ाने का तरीका बता दिया। इस प्रकार अगर तुम राजकुमार शीतल से विवाह कर लोगे तो तुम्हारी आयु 20 से 100 वर्ष हो जाएगी। हे मुनिवर, अब हमें आगे थे, मुझे राजकुमारी को इनके देश छोड़ना है। फिर खोपड़ी पर बैठकर रूपनगर की तरफ उड़ चले। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार। कुछ देर में वे रूपनगर के राजमहल में उतरे। राजकुमारी आ गई। ओ बेटे, तुम कहां से ली गई थी? पिताजी। फिर राजकुमारी ने अपने पिता राजा निर्मल सिंह को राजकुमार सुदर्शन के बारे में बताया। पिताजी, आपने वन में जिस वीर को एक वचन दिया था वे राजा धर्मवीर थे, इनके पिता और सुंदर नगर के राजा। उन्होंने मेरी उम्र एवं अखंड सौभाग्यवती होने का वर इसलिए मांगा था क्योंकि वे चाहते थे कि उनके पुत्र का विवाह मुझसे हो जाए ताकि उसकी उम्र भी मेरे बराबर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वे आपसे वचन मांगते, जादूगर भूटान भट्टा ने उन्हें मार दिया। राजा निर्मल सिंह ने अपने वचन की खातिर राजकुमार सुदर्शन एवं राजकुमारी शीतल का विवाह करवा दिया। ओम भूर्भुवस्व। फिर एक दिन राजकुमार सुदर्शन ने रूपनगर की सेना लेकर सुंदर नगर पर आक्रमण कर दिया। हाय आ सर राग, और जल्दी मामती माधो सिंह को मौत के घाट उतार कर राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा सुदर्शन की जय हो, राजा सुदर्शन जिंदाबाद। राजा निर्मल सिंह ने सुदर्शन का राज तिलक किया और फिर रूपनगर के लिए रवाना हो गए। महर्षि के वरदान के फलस्वरूप राजा सुदर्शन और रानी शीतल ने सुंदर नगर पर 100 साल तक राज किया। महारानी की जय हो, राजा सुदर्शन जिंदाबाद। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक समाप्त हुई, और दोस्तों अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।